असल बच्चों अवज़मलिमिन शवानज़ीम बसमिल्लर रही रबरखली सदरी वरली अमरी वाहल तमिलिसानी यफ़ु कौली in this session, in this orientation session of strategic business reporting. बच्चों मेरा नाम है मुनीर मोहम्मद शफ़ी एंड आई विल facilitator योर फैसिलिटेटर फॉर दिस will आई विल teaching टीचिंग दिस with Sir सरजुनीद खालिद कुछ मुख्तर सार्फ़ मेरे बारे में उसके बाद फिर बहुत कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में एंड हाउलिंग दिस सब्जेक्ट इन दिस इंटायर से एन एस इन शाह ठीक है बेटा तो बच्चों मेरा नाम मुनर मोहम्मद शफी जैसा कभी मैंने आपसे डिस्कस uh, किया जिक्र किया uh, कुछ बातें कुछ मेरा इंट्रोडक्शन मुख्तर सार्फ़ आई विल बी यूटर फॉर स्ट्रेटिजिक बिजनेस रिपोर्टिंग Uh, I have been teaching ACCA subjects and CA subjects since last more than five years. And now understand that these subjects, whether it is AAA, strategic business reporting, accounting, reporting subjects or tax, I also teach uh, Pakistan taxation at uh, सी ए क्वालिफिकेशन जो सी ए का इंटर का एडवांस लेवल का पेपर है वहाँ पर मैं टैक्स टीच करता हूँ तो ये मेरे कोर एक्सपर्टीज के एरियाज हैं और क्यों वो एरियाज़ हैं मेरे कोर एक्सपर्टीज़ के क्यों एरियाज़ हैं ये बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग ऑडिटर आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट आई एम अ पार्टनर एट एच एम चार्ट अकाउंटेंस आई एम अ फेलो मेम्बर ऑफ ए सी सी ए आई एम अ फेलो मैंबर ऑफ आई कैप फेलो उस मैंबर को कहते हैं जिसको फील्ड के अंदर बहुत सारे साल हुए हो तो यूं और, आ, आप यूं समझ लें कि अलहमद एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के हिसाब से अलहदुल्ला इस फील्ड में अब काफ़ी साल हो गए बेटा आई हैव बीन क्यू पी आर टी क्वालिफाइड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग आई सी आई डब्ल्यू इन माई फर्म आई एम ऑल्सो मेम्बर ऑफ वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कमिटीज एट इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल एज ए सी सी ए पाकिस्तान आई कंपीरियड माई आर्टिकलशिप फ्राम के पी एम जी Uh, and then I moved in industry where I spent more than five years. And then I started my own firm back in 2019. Aur tab se hi, uh, I'm engaged in audit practice, tax practice, so teen subjects, and these are my core expertise. Just my that Pakistan taxation, uh, financial reporting, and audit. Take it so. बच्चो हम इस सेशन में देखने क्या वाले हैं डिस्कस क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस बी आर है क्या ये पेपर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों है कितनी है इसका एक सिलेबस ओवरव्यू पेपर पैटर्न किस तरह से एग्जामिन होता है इसके एरियाज कैसे एग्जामिन होते हैं क्या की एरियाज हैं पासिंग रेशो ओवरऑल इट्स गुड पासिंग रेशो रीजंस ऑफ फेलियर क्या हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी और सेशन प्लानर यहां हम किस तरह से आगे के सेशंस को प्लान करेंगे आप अपनी किस तरह से स्टडीज प्लान करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अच्छा बेटा बिफोर मूविंग ऑन टू दिस डिस्कशन ऑफ सिलेबस ओवर व्यू मैं कुछ बातें करना चाहूंगा अबाउट एस बी आर एंड इट्स इंपोर्टेंट अच्छा मैं कितनी भी बातें कर लू और कोई बात ना भी करूं तो भी इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस तो कम नहीं होगी आपके लिए बिकॉज यू आर एसी स्टूडेंट एंड बाई एनी वे यू हैव टू अटेम्प दिस पेपर एंड पास दिस पेपर and obviously every student tries his or her level best to pass the paper at the maximum potential द मैक्म पोटेंशियल हमें जहरी की कोशिश होती है कि सर अच्छे से अच्छा पढ़ना है अच्छे से अच्छा पास करना so that we can grab this all important qualification in our hand for our career journey, for our career progress. जबरदस्त ये वाला फैक्टर तो है ही हर किसी के साथ तो मैं कुछ इंपॉर्टेंस ना भी बताऊँ तो भी इट हैज lot ऑफ इंपॉर्टेंस सर बहुत महंगा पेपर होता है अच्छे से पढ़ के पास होना है और अगर अच्छे से पढ़ के पास नहीं हो तो सर फिर से इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे आई कैब के पेपर्स और ए के पेपर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस अभी ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम द डिफिकल्टी लेवल विच वी मे डिस्कस लेटर ऑन द कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज वेरी हाई तो आपको तो नहीं पता ना इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं आपको तो नहीं पता वो तो मैं बताऊंगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज बट इफ यू इवन लुक फ्रॉम द माइक्रो परस्पेक्टिव तो भी आप ये कहेंगे कि सर ये पेपर बड़ा महंगा है ठीक ठाक पाउंड का पेपर है ये और अल्लाह ना करे अगर ये फेल होता है अगर ये प्रूवता है सो वी हैव टू इनकर दिस कॉस्ट ऑल ओवर अगेन एंड वी है लेकिन असल इंपॉर्टेंस है क्या इस पेपर की दरअसल इंपॉर्टेंस है क्या इस पेपर की अच्छा ये बात आपको पता है कि ए ए ज एन ऑडिट सुपरवाइजरी बॉडी और अगर नहीं पता तो अब पता लग जाएगी चाहे ए हो चाहे आई कैप हो पाकिस्तान में ए सीसीए यूके में है ऑब्वियसली आई कैप पाकिस्तान में है आईसीए इंडिया में है इसी तरह से सीपी ऑस्ट्रेलिया इसी तरह की हर नेशनल चार्ट अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन हुआ करती है एसीसीए so, प्राइमरली एंड ऑडिट सर्टिफिकेशन और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यू केम यू कैन प्रैक्टिस एंड इन सर्टन अदर जूरिस्ट्रिक्शन एज वेल तो सर फिर ऑडिट पे फोकस करें ना एस बी आर के ऊपर आप क्यों फोकस uh, लेकर बैठ गए हैं ऑडिट होता ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो उसका ऑडिट होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी कैसे सर देर विल बी ए फ्रेमवर्क

जो कि आपने एफ सेवन में देखा जो कि आपका प्रीवियस पेपर था ठीक है आपने उससे पहले भी देखा एफ सेवन में भी देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई आपने अकाउंटिंग की आपने बट वट दिस पेपर इज दिस इज एस बी आर स्ट्रेटिजिक बिजनेस रिपोर्टिंग यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहां पर हम आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टिंग बनाना चाह रहे हैं एस के पेपर में यहां पर हम आपको बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं एंड दैट इज़ स्ट्रेटिजिक बिजनेस रिपोर्टिंग तुम सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए मुंशी नहीं हो ये पेपर क्या कह रहा है सी दिस इज द मेन डिफरेंस मैं अगर आई के आपका पेपर उठाऊं एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और एस बी आर उठाऊँ दिस इज द मेन डिफरेंस डिफिकल्टी लेवल ऑफ आई कैप्स पेपर इज मच हायर बताऊंगा क्यों कैसे बट विच पेपर इज बिजनेस फोकस्ड विच पेपर इज स्ट्रेटिजिक फोकस्ड इट्स यहां पर आपको अकाउंटेंट बनने के लिए इतना तैयार नहीं किया जा रहा आपको बिजनेस एक्सपर्ट बनने के लिए स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट बनने के लिए आपको ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो बाहर तौर उसके लिए यू नीड टू नो दउंटिंग स्टैंडर्ड्स बट योर अल्टीमेट गोल इज नॉट टू नंबर क्रंच टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज नाउ विस इज डन थ्रू ई आर पी एक बी कॉम पास बच्चा भी डेटा एंट्री कर सकता है डेटा एंट्री ई आर पी सिस्टम में कर सकता है और डेबिट क्रेडिट करना ट्रायल बैलेंस को कंपाइल करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना ये ई आर पी का बाई डिफॉल्ट फंक्शन होता है एंड यू डो नॉट नीड टू डू एनी थिंग ई आर पी सिस्टम डज दिस थिंग डे इन एंड डे आउट वो हर वक्त उसका ट्रायल बैलेंस टाई होगा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल्ड होंगे यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट दोशियल बाई क्लिकिंग एनी रिपोर्ट इन द सिस्टम चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो आप उसको क्लिक करेंगे वो रिपोर्ट आ जाएगी तो बेसिकली अब आपका वो काम नहीं है कि आप डेटा एंट्री करोगे एंट्रीज करोगे डेबिट क्रेडिट्स करोगे नो no. इसीलिए जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर है ये फोकस करते हैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आपकी अंडरस्टैंडिंग पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बट दिस इज नॉट इट यू नीड टू यू यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एवरीथिंग सो क्लियरली आर यू गेटिंग दिस यू यू नीड टू एडॉप्टअर सेल्फ टू द सिचुएशन इन द एग्जामिनेशन वेरी परफेक्टली सो दैट यू कैन अप्लाई द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन आर यू गरिंग दिस इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशन इट्स नॉट अबाउट मेकिंग और पासिंग जर्नल एंट्रीज बिकॉज यू आर नॉट मुंशीज यू आर नॉट नंबर क्रंचर्स आर यू गरिंग दिस सो इफ यू टॉक अबाउट एस बी आर पेपर एस बी आर के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो एस बी आर का पेपर इज सेवेंटी परसेंट सेवेंटी टू एटी परसेंट इज थेटिकल पेपर आपके जहन में अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आपके जहन में सारी के सारी की रिक्वायरमेंट्स बार बार रिविजिट होनी चाहिए देखो आई कैप का पेपर सी का पेपर इज ओपन बुक पेपर वही ओपन बुक पेपर नहीं है सी का स्टूडेंट क्या करेगा वो स्टैंडर्ड्स खोलेगा जाएगा और रिक्वायरमेंट देख लेगा यू कैन नॉट डू दिस बट दिस पेपर इज सच एन इंटरेस्टिंग पेपर दैट यू डू नॉट नीड टू डू दिस बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल इन दिस पेपर आप जब पढ़ेंगे हम जब पढ़ेंगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे हम जब चार्ट्स के थ्रू फ्लो चार्ट्स के थ्रू डायग्राम्स के थ्रू समराइज डायग्राम्स के थ्रू जब हम पढ़ होंगे सो एवरी थिंग विल बी ऑटोमेटिकली इनकलकेटेड इन योर था प्रोसेस जब आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आप उसको अप्रोच इसी तरह से कर रहे, रहे हो गए इनशाला आई यू गेरिंग दिस सो यू डो नॉट नीड टू वरी अबाउट ये हम इनशाला आपको इतना ट्रेन कर देंगे इतना इनेबल कर देंगे दैट यू विल नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस एंड यू नीड टू

दूसरी बात अकाउंटिंग uh, स्टैंडर्ड्स की नॉलेज के बगैर तो ना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कर सकते हैं uh, ना आप उसको ऑडिट कर सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सम ऑफ यू मे जॉइन प्रोफेशन इज वेल। सो हाउ दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑडिट पर्सपेक्टिव। स्पेसिफिकली आई एम टीचिंग ट्रिपल एज इन्स लास्ट मैनीयर्स एंड इन ट्रिपल ए इट इज एस आर प्लस एडवास्ड ऑडिट यूं समझ लें क्योंकि हर एक सवाल के अंदर हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट एडवांस लेवल ले स्टैंडर्ड की अप्लाई हो रही होती है एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल योर अकाउंटिंग नॉलेज इन एवरी बिट ऑफ ट्रिपल ए सो ट्रिपल ए इज द मोस्ट एडवांस पेपर इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्निकल पेपर इसका पासिंग रेशो भी इतना अच्छा नहीं है इट रेंजेस बिटवीन थर्टी टू थर्टी थ्री उसमें है गया उसमें दैट पेपर इज अ ब्लेंड ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स स्किल्स Number one, your drafting skills, it should be too mature, which you will, in and you will inherit this characteristic from SBL. Your reporting knowledge, it should be very sound, and you will inherit this knowledge from F7 and SBR. And then, auditing standards knowledge, and you will inherit this knowledge from your AA and the advanced auditing standards, which we'll be discussing in AAA as well. Are you getting this? इट्स ए ब्लैंड ऑफ थ्री थिंग्स एंड आर ऑफ दो ये है एस बी आर ठीक है इसको बहुत अच्छे से आपने होल्ड करना है। और कोई सब्जेक्ट जब तुम पढ़ो तो इसलिए नहीं पढ़ो तो तुम्हें पेपर पास करना है क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि देखो दिस इज योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये इंटर नहीं है ये जिन्होंने इंटर किया जिन्होंने ए लेवल्स किया दे यूज टू ऑप्ट सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने प्री इंजीनियरिंग से इंटरमीडिएट किया तो सो आई ऑप्टेड फॉर प्री इंजीनियरिंग उसमें केमिस्ट्री था फिजिक्स था अब केमिस्ट्री फिजिक्स हम पढ़ रहे थे लेकिन मुझे पता था कि आई विल बी परस्यूइंग चार्ट अकाउंटेंसी तो गोके में बहुत अच्छे से पढ़ता था बट दैट वॉज नॉट माई ब्रेड एंड बटर और मुझे पता था आगे मैंने ये चीज़ इतनी करनी नहीं है यहां पर वेन यू टॉक अबाउट एस बी आर टाइप सब्जेक्ट ट्रिपल एस बी आर टैक्स आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करना यह है अब चाहे अगर आप सी एफ ओ बनते हो यूशूव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टैक्सेशन नॉलेज ऑडिटिंग नॉलेज ऑडिटिंग नॉलेज ना भी हो चलेगा लेकिन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन नॉलेज इट शुड भी वेरी स्ट्रांग

अगर आप ई आर भी चूज करते हो ना वट इज ए सी इज गोइंग वेरी मच इन ई आर पी इम्प्लीमेंटेशन ईआरपी साइड पर आई टी साइड पर जा रहे हैं बट विद दिस ब्लैंड ऑफ नॉलेज अकाउंटिंग आई टी दे आर थ्राइविंग आ लॉट आर यू वेरी इस पर आपकी बहुत चीज होनी चाहिए ठीक है मेरे बच्चों और आ, ये इससे आपकी रोजी रोटी है दिस विल बी योर ब्रेड एंड बटर और जिस चीज़ पर हमारा ब्रेड एंड बटर डिपेंड करता है सो यू कैन इमेजन द हाउ सीरियस वी शुड अबाउट दिस सब्जेक्ट ठीक है तो मैं हमेशा से आ, अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ टेक इट टैम सीरियसली टेक ऑल योर सब्जेक्ट वेरी सीरियसली पैसे आपने पूरे दिए ना पढ़ने के लिए वैन यू आर पेइंग फुल वैन यू आर गिविंग फुल एग्जामिनेशन एंड वैन यू नीड टू यूटिलाइज इट फुली इन योर प्रैक्टिकल लाइफ देन स्टार्टी इट फुल इन्जॉय इट यार वैन यून यू स्टार्ट इन्जॉइंग एनी सब्जेक्ट नथिंग लाइक दैट अच्छा वेन आई टीच दब्जेक्ट टीचिंग इज माई पैशन टीचिंग इज़ माई जुनून तो जब मैं टीचिंग करता हूँ अलहमद ला मैं नहीं थकता क्यों मेरा शौक है तो so, अगर आपको ये सब्जेक्ट ये नॉलेज लेने का शौक है आप कभी थकेंगे नहीं इन ठीक है बेटा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कुछ छोड़ना नहीं है हमने हर चीज़ को पढ़ना है और हमने ज़्यादा फोकस करना है इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को जिसको जिसको एग्जामिनर है एस बी आई हमें ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑफ द कोर्स विल बी कमिंग फ्राम योर प्रीवियस पेपर एफ सेवन ठीक है लेकिन आपको पता है कि उसकी एग्जामिनेशन ज्यादा एफ सेवन में हो चुकी है एग्जामिन एग्जामिन examine कर सकता है एस बी आर में आई एम नॉट से नहीं हो सकता लेकिन उतना ज्यादा फोकस वो कभी भी नहीं करेगा एस बी आर में क्योंकि वो सारी टेस्टिंग एफ सेवन के लेवल पे हो जाती है और एस बी आर के लेवल पर टेस्ट करने के लिए उसके पास और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं जिसको वो टेस्ट करेगा हम देखेंगे कौन कौन से ठीक है तो उम्मीद करता हूं बेटा अब तक की बातें आपको समझ आ रही होंगी और थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं हम अपनी डिस्कशन में एंड वी विल बी लुक एट ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस सिलेबस में है क्या ए फंडामेंटल एथिक्स एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिंग रिपोर्टिंग पढ़ेंगे बहुत हम पढ़ते पढ़ाते हैं एथिक्स मैं टैक्स पढ़ाता हूँ उसमें हम एथिक्स पढ़ाते हैं मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ उसमें हम एथिक्स पढ़ते हैं एस पढ़ाता हूँ उसमें हम एथिक्स पढ़ते हैं बहुत एथिक्स पढ़ते हैं सर क्या हम इतने एथिकल हो पाते हैं द आंसर इज अगर हम इतने एथिकल हो पाते तो शायद uh, करिकुलम के अंदर इतना पढ़ाने की जरूरत भी ना पेश आती तो सर क्या हम इतना एथिक्स पढ़ने से एथिकल हो जाएंगे पर्सनल ओपिनियन माय पर्सनल ओपिनियन इज नो नहीं होंगे नहीं होंगे okay. तो सर हम एथिकल कैसे होंगे फिर हाउ हाउ विल वी वी बी बी एथिकल 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 कैन तो तो जब ये एथिक का टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे होंगे क्योंकि अगर मैंने अभी इसके ऊपर बात शुरू कर दी तो इतनी लंबी डिस्कशन हो जाएगी आपकी आएगी हम इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉपरेट रिपोर्टिंग बिकॉज ऑब्वियसली Millions or billions of dollar investment is at stake of the shareholders, company salary. And you are preparing if you are if suppose you are preparing financial statements, and if the if if millions of users are relying on those financial statements, so how much responsibility you are owing to them, when you are preparing these financials. So how how high your ethical values, how high your ethical morale should be when you are

बाई यूजिंग दैट फ्रेमवर्क उसकी स्ट्रेंथ क्या है वीकनेसेस क्या हैं कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत पुरानी स्टैंडर्ड्स हैं शायद उनमें फ्रेमवर्क वाली सारी रिक्वायरमेंट एज इट इज कंप्लाई ना भी होती हो यू विल नीड टू सी क्या मसले मसाए हैं क्योंकि देखो एग्जामर इस पर बड़ा फोकस करता है और मैंने आपको बताया भी कि वेन यू आर स्टडिंग ट्रिप एस बी आर आप नंबर से ज्यादा प्रिंसिपल पर बात करोगे आप नंबर से ज्यादा ट्रीटमेंट और उसके एप्लीकेशन पे बात करोगे आर यू गेटिंग दिस देन सी रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ रेंज ऑफ एंटिटीज नाउ दिस इज एक्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड वी विल बी डिस्कसिंग एंड गोइंग थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मेनी ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी गोन थ्रू इन योर प्रीवियस पेपर एफ में आपने बहुत सारे पढ़ लिए हैं और उसकी रिकैप होगा ऑब्वियसली बात उसका रिविजन होगा उतनी डिटेल के अंदर ना हमें वो पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ना वो उस डिटेल में एग्जामिन होंगे और वी नीड टू रिफ्रेश आवर कॉन्सेप्ट और आपको बताया कि नंबर्स मैंने जैसे बताया कि एस के अंदर नंबर्स की एप्लीकेशन वो वैसे ही इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम और फोकस उन स्टैंडर्ड्स पर लग रहा होगा जो एग्ज़ाम परसपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है बेटा जो स्टैंडर्ड्स एफ सेवन वाले स्टैंडर्ड्स हैं र्स तो वो भी सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को रिकॉप करेंगे रिवाइज करेंगे जो पुराने वाले हैं एंड इन शाह तक कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर पुरानी नॉलेज अगर हमें याद ना हो तो क्या होगा जितनी याद होनी चाहिए उससे ज्यादा हम आपको याद करवा देंगे तो टेंशन नहीं लेनी आपने ठीक है भाई एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आपका ये जो पेपर है पेपर आपने देना है लेकिन उस पेपर की टेंशन आप लोगों से ज्यादा मुझे होती है जब तक मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो जाते और पेपर अच्छे से नहीं हो जाता मुझे टेंशन रहती है तो ये हमेशा याद रखना कि आपसे ज्यादा टेंशन आपके टीचर को है चाहिए है बेटा रेस्ट अशोर रेवन्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड मैं जिसको थ्री स्टार लगा रहा हूँ ये एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स की जब मैं बात करूंगा इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड आ जाएंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई एस सिक्सटीन इसमें आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इसमें आ जाएगा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इसमें आ जाएगा इसमें बहुत सारे एसेट्स आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में अब उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आई एस सिक्सटीन ऑल योर नॉलेज विल बी द इनहेरिटेड नॉलेज फ्रॉम सेवन जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया बोरोइंग नॉन करंट एसे एडवांस लेवल स्टैंडर्ड है इसमें ग्रुप अकाउंटिंग की भी मसले मसाइल इन्वॉल्व है क्योंकि इट इट इज नॉन करंट एसे ग्रुप इज डिस्पोजिंग एनी सब्सिडरी और उसका एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है सेपरेट जोग्राफिकल एरिया है सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है एंड सर इट इज रिकॉर्डेड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देन हाउ वी विल बी ट्रीटिंग इट उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी उसका डिस्कलोजर कैसे होगा उसमें एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट भी हैं तो वो एस बी आई पर्स्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन कुछ बड़े सिंपल से स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड जैसे आई सिक्सटी हो गया वेरी सिंपल स्टैंडर्ड उसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे हम हाँ पुराना वाला था रिकैप कर लेंगे समझ रहे हो आप बात को इस तरह की बातें हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिल को बड़ा पसंद है तो मैं अगर इसमें से बात करूँ नॉन करंट एसेट्स का डब्बा बहुत बड़ा है और इसमें है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ठीक है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा हमें लेकिन ये वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं विथ विच यूर यू ऑलरेडी आर वेरी मच फेमिलियर विथ आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं इससे ठीक है अच्छा भाई तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अन इम्पॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट लीजेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो सर ये जो सारे वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आप हाँ क्योंकि नाम ही हमने वो लिखे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्लॉई बेनिफिट आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बेटा और हम अपनी जो डिस्कशन का अपने जो कोर्स का आगाज़ कर रहे होंगे वो भी इम्प्लॉई बेनिफिट से कर रहे होंगे ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आप स्टार्ट ही करें सो यू शुड हैव अ न्यू फ्लेवर एंड एन एडवांस्ड फ्लेवर ठीक है क्योंकि देखो पुराने स्टैंडर्ड्स यू ऑलरेडी नो दोज सो उस पर ना ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी ना हमारी मेहनत लग रही होगी उसको हमने रिकैप करना है उसको रिविजिट करना है ठीक है और एग्जाम लेवल पर आपको ला खड़ा कर देना है वो स्टैंडर्ड्स जो आपने पढ़े ही नहीं उन स्टैंडर्ड्स को हमने स्क्रैच से डेवलप करना है और हाइट तक लेके जाना है जो एग्जाम की हाइट है आपकी ठीक है बेटा सो बेनिफिट्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड विद विच बी स्टार्टिंग आर डिस्कशन ठीक है इंप्लॉयिफिट एंड आई ए एस नाइनटीन इज अ स्टैंडिंग बेनिफिट इनकम टैक्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इनकम टैक्सेस में डेफर्ड टैक्स का एरिया इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग एज वेल ठीक है एंड है आसान लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बहुत आसान एंड इट कम्स अप एज वेल शेयर बेस्ड पेमेंट नया है एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड ठीक है तो हम

रिपोर्टिंग हो गई ईपीएस हो गया ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया अब अब अलग बहुत सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर अदर रिपोर्टिंग इशूज़ के अंदर तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़नी हैं जो कि हमें इन हुक्म से पढ़ लेंगे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेशन आपको पता है एडवांस लेवल पर कंसोलिडेशन के सारे के सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे सारे एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट होंगे ग्रुप अकाउंटिंग इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एसोसिएट्स इन जॉइंट वेंचर्स चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर फ़ॉन ट्रांजेक्शन आइडेंटिटीज़ फॉरन करेंसी कंसॉलीडेशन चेंजेज होंगे तो क्या होगा मीडिया रिक्विजेशन हो रही है डिस्पोजल हो रही है पहले सब्सिडी थी इतनी डिस्पोजल हो गई कि वो trade investment हो गए, अब वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गई अब वो एसोसिएट हो गई तो क्या होगा तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी होंगी और एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं इसकी ओबियसली बात है कि हमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी है बट वी विल बी कैलकुलेटिंग बिट्स ऑफिट जो एग्जामिनेशन uh, परस्पेक्टिव से हमारी रिक्वायरमेंट होती है एंड वी नीड टू हैव a very strong basis of everything okay Then we need to interpret financial statements for different stakeholders सर ये तो हम बचपन से करते आए इंटरप्रटेशन रेशियो वगैरह हाँ थोड़े से एडवांस लेवल होंगे यहाँ पे लेकिन वही चीज है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशन क्या नई बातें हो रही हैं क्या नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं क्या एक्सपोजर ड्राफ्ट आ रहे हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा कुछ करंट इश्यूज से रिलेटेड भी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं इम्प्लोएबिलिटी इन टेक्नोलॉजी स्किल्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज ऑफ एग्जाम सॉफ्टवेयर यूज ऑफ टूल्स विच आर गिविंग टू यू वैल यू आर योर एग्जामिनेशन इम्प्लोएबिलिटी इन टेक्नोलॉजी स्किल्स ठीक है uh, बेटा ये सारी बातें पेपर पैटर्न क्या है देखो बहुत ज्यादा अभी हम इससे uh, अभी हमारा कंसर्न नहीं है अभी तो हम पढ़ तो लें फिर पेपर पे आएंगे लेकिन सिर्फ एक आइडिया देने के लिए एक हाईलाइट देने के लिए कि किस तरह से आपका पेपर आता है एग्जामिन होता है सेक्शन ए कम्प्राइजेज ऑफ फिफ्टी मार्क्स सेक्शन बी कम्प्राइजेज ऑफ फिफ्टी मार्क्स इस थर्टी प्लस ट्वेंटी क्वेश्चन वन थर्टी मार्क्स क्वेश्चन टू ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन थ्री ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन फोर ट्वेंटी फाइव फोर प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं हम देखेंगे कैसे लेने हैं ये प्रोफेशनल मार्क्स कौन से एरिया से कौन सा क्वेश्चन आता है ये भी हम देखेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स पर मैं जरूर आना चाहूंगा एग्जाम ट्रेंड के एग्जाम exam में एग्जामिनर कौन से एरियाज को बहुत ज्यादा फोकस करता है जरा ये देखना जैसे कि आपको बताया कि आई 19 एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट स्टैंडर्ड है जिससे हम शुरू कर रहे होंगे अब आप देख सकते हैं देखो ठीक है आइस नाइनटीन की एप्लीकेशन आइस नाइनटीन की एप्लीकेशन की एप्लीकेशन, सो so, वो स्टैंडर्ड जो आपने नहीं पढ़े उस पर एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फोकस है इंपेयरमेंट एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है रेवेन्यू बहुत फेवरेट है देख रहे हो, कंसोलिडेशन रीट्रांसलेशन फॉरन करेंसी ट्रांसलेशन वाला स्टैंडर्ड इन नॉन करंट एसेट्स में आप देख सकते हो बेटा आई एस थर्टी एट हो गया आई एस थर्टी सिक्स हो गया इंपेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड फेयर वैल्यूएशन आई आर एस थर्टीन मैंने बताया लीज इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एफ आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी दैट एग्जामिनर इज टेस्टिंग फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड्स वेरी फ्रीक्वेंटली देख रहे हो आई एर फिफ्टीन बॉरिंग कॉस्ट आया आई ए एस थर्टी एट इनटेंजिबल लीज इज इम्पेयरमेंट देख रहे हो आप इंटेंजिबल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इम्पेयरमेंट तो यही जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बार बार टेस्ट हो रहे हैं बार बार टेस्ट हो रहे हैं ठीक है सो वी शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन द एडवास लेवल स्टैंडर्ड न्यू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली एंड ऑबलीजन ऑफ द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स एज क्यों फेलियर क्यों होता है इस पेपर में क्या रीजन होते हैं सिर्फ एक मुख्तर सा तजिया ताकि उन uh, रीजन्स के ऊपर हम काम करें और उन रीजन्स को मटीरियलाइज ना होने दें हम सेलेक्टिव स्टडीज कोशिश कर रही हैं सेलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी हैव हैव कवरेज फुल कवरेज ठीक है पुअर कवरेज नहीं करनी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता पूछ लो मेरे बच्चों ठीक है मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा क्लासेज में आओ फिजिकल क्लासेज में आओ और टीचर से बड़ा बराहरास्त तो पूछो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल कुछ नहीं हो सकता आपके लिए अदरवाइज द टीचर विल भी अवेलेबल इन ऑनलाइन क्लासेज एज वेल व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल तो इनशाला जो भी मसला हो आपका बट कवर एवरीथिंग प्रॉपरलीटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट आर्ग्यूमेंट इन डिफरेंट पर स्टेक होल्डर्स टू दिनारियो सिनारियो पर आपको रिक्वायरमेंट पता है याद भी है यू कैनॉट रिलेटेड टू रिमेंबरिंग इट ठीक है? एंड हाउ कैन यू बी स्ट्रॉन्ग इन योर एप्लीकेशन थ्रू प्रैक्टिस एंड गाइडेड प्रैक्टिस गाइडेड प्रैक्टिस कैसे गाइडेड प्रैक्टिस होगी कैसे पेपर टेक्निक हर सवाल को, हर स्टैंडर्ड को अप्रोच करने की सवाल को अप्रोच करने की एक टेक्निक होगी हमें उस टेक्निक के हिसाब से अप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट लिखनी है अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है उसको एनालाइज करना है कैसे एनालाइज करना है वी नीड टू हैव अ लुक एट ठीक है बहुत चीज़ों को हम देख रहे होंगे आंसर की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको आंसर करना ही प्लान है जिसने प्लानिंग किए बगैर आंसर स्टार्ट किया वो मर गया पोअर टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर कैसे होगी प्रैक्टिस के थ्रू अदरवाइज आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो आर ड्राफ्टिंग स्किल्स अगेन ड्राफ्टिंग स्किल्स कैसे बेहतर होगी थ्रू प्रैक्टिस कनेक्शन ऑफ थॉट्स इग्नोरिंग टेक्निकल आर्टिकल्स एंड करेंट इशूज हम क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे क्या चीज़ें पढ़ेंगे किस तरह पढ़ेंगे लाइव क्लासेस भी होंगी रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होंगे मैं आपको रेकमेंड करूंगा डू ज्वाइन लाइव क्लासेस डू ज्वाइन फिजिकल क्लासेस हमारी हम एक वर्कबुक से हर चीज़ कवर करेंगे मैं भी आ, आ, आपको शो भी करूँगा हम जिस वर्कबुक से सारी की सारी अपनी चीज़ों को कवर करेंगे वो बुक आपने परचेज़ करनी होगी फ्रॉम के ठीक है इट्स अवेलेबल आप एडमिन टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एमर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दैट यू विल बी हैविंग दैट बुक इन योर हैंड्स उसी बुक से हम अपनी कवरेज कर रहे होंगे सारी एग्जाम्पल्स सारे सोल्यूशन भी हैं उस बुक के अंदर सारे कॉन्सेप्ट भी हैं चार्ट भी हैं एवरी थिंग दैट्स अ वेरी यूजफुल वर्क बुक इंटीग्रेटेड वर्क बुक है कैप्टन किस की बुक के साथ ठीक है बेटा तो नोट्स वो द बुक इज बेसिकली द नोट्स एग्जाम टेस्टिंग ऐप असाइनमेंट्स होंगे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है सारे लेटेस्ट स्टडी सपोर्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा और इतना आप पढ़ेंगे नहीं जितना इंशाल्लाह हम कोशिश करके आपको हेल्प कर देंगे तो हमारी कोशिश ये होती है द मैक्सिमम वी कैन हेल्प द स्टूडेंट आउट टू पास दिस पेपर जो कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी लेकिन फिर भी हर बच्चा पास नहीं हो सकता ताली दोनों हाथ से बचती है हम जितनी भी एफर्ट कर लें यू शुड बी द वन टू मेक द एफर्ट ऑन योर पार्ट आपके हिस्से की मेहनत हम नहीं कर सकते ठीक है मेरे बच्चों तो आ, और इसके अलावा कोई चीज़ मेरे जहन में तो नहीं है लेट मी शो यू द बुक विच यू शुड बी परचेजिंग फ्रॉम द एडमिन टीम क्योंकि आप जब ये लेक्चर्स ले रहे होंगे ठीक है बेटा दिस इज़ द क्लास वर्क बुक ये क्लास वर्कबुक है ये आपने परचेज करनी होगी इस वर्कबुक में ही सारी हमारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग कवर कर रहे होंगे और जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर आपने कैपलन की एग्जाम्पल ख़ुद से अटैम्प्ट करनी है वहाँ भी मैंशनड है ठीक है सो दिस विल बी यूज इन कनेक्शन विथ योर स्टडी टेक्स्ट ना भी आप करें अगर आप आपहर सी बात है कि कोई स्टूडेंट कहता है कि सर वी आर इनफ ऑफ प्रैक्टिस रेफरेंस बुक वी विल बी यूजिंग कैप्लन एंड इफ़ यू फील इट्स इट्स प्रैक्टिस इनशाला दिस विल भी अनफ ऑफ प्रैक्टिस ये पास एग्जाम पेपर कि आप लोग खुद ही थक जाएंगे इन शह ठीक होगी बात तो इसमें सारी की सारी चीज़ें ये बुक कम्प्लीट बुक आपको परचेज uh, करनी होगी इसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं uh, और ये आपके पास हो ताकि वेन यू आर टेकिंग दैक्चर्स यू कैन टेक द नोट्स डाउन हेयर जो मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँगा वो नोट्स आप ले सकें ये पूरी वर्क बुक है एंड दिस इज़ द लेक्चर वर्क बुक इसमें सारे ग्राफ्स भी हैं चार्ट भी हैं और ये सारी की सारी चीज़ें नोटबुक की फॉर्म में जो भी बातें होंगी वो आप नोटबुक की फॉर्म में यहीं मेरी एग्जाम्पल्स हो गई आ, कोई बात ऐसी हो गई कोई एडिशनल चीज़ ऐसी हो गई जो मैंने आपको लिखवा दी तो वो सारी की सारी आप अपने वर्क बुक पर ही नोट कर रहे होंगे एंड दिस विल बी दोस बुक फॉर योर प्रिपरेशन सोर्स मटेरियल फॉर ये इसमें जितनी एग्जाम्पल्स गिवन है उन सबके आंसर्स गिविन है ठीक है बेटा जितनी एग्जाम्पल्स हैं उन सबके आंसर्स गिवन है सो यू शुड बी हैविंग दिस वर्क बुक इन ऑर्डर टू टेक द लेक्चर्स जो कि आपको मिल जाएगी फ्रॉम के एन एस एडमेन ठीक है बेटा सो दिस इज अबाउट इट दिस इज अबाउट एस बी आर दिस अबाउट आस दिस इज अबाउट हाउ विल प्रोग्रेस हाउ विल टीच एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग आई ए एस नाइनटीन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड न्यू स्टैंडर्ड इंटरेस्टिंग थैंक यू सो वेरी मच में अल्लाह ब्लेस यू ऑल टेक केयर अलॉट मुझे और सारे टीचर्स को दो में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा हर वक्त पढ़ते रहिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़